हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सुभाष चंद्र बोस और इंटरनेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की कई सारी जगह पे कॉलोनीज थी, जैसे फिलीपींस, हांगकांग, मलाया, सिंगापुर एट्सेट्रा। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन और जापान आमने सामने थे, तो इन ब्रिटिश कॉलोनीज पर जापानीज अटैक का खतरा लगातार मंडरा रहा था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अराउंड 70,000 इंडियन ट्रूप्स को इन ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजा। और साथ ही साथ 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना इंडियन लीडरशिप से पूछे एक डिक्लेरेशन दिया, जहां उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है। वायसरॉय के इस डिक्लेरेशन से पूरे देश में गुस्सा था। लोगों का मानना था कि एटलीस्ट 1937 इलेक्शंस में जो इंडियन पॉलिटिशियंस इलेक्ट होकर आए हैं, कम से कम उनसे तो पूछ लेते। इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस ने प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर दिया था। और ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से रिजाइन करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की मांग की, लेकिन गांधी जी इस बात पर एग्री नहीं हो रहे थे। तो बोस ने सोचा कि गांधी जी की तरह पूरे देश में ना सही, एटलीस्ट कलकत्ता में तो वो एक मास प्रोटेस्ट शुरू कर ही सकते हैं। तो बोस ने होलवेल मॉन्यूमेंट को रिमूव करने के लिए खुद ही कलकत्ता में एक मास प्रोटेस्ट शुरू किया। ब्लैक होल इंसिडेंट में जो थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे थे, होलवेल उनमें से एक थे। ब्लैक होल इंसिडेंट की याद में उन्होंने खुद के पैसों से ये मॉन्यूमेंट बनवाया था। ब्लैक होल इंसिडेंट एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसमें 146 लोगों को एक छोटे से रूम में भर दिया गया था, जिसमें 126 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। डिटेल में इसे समझने के लिए आप बैटल ऑफ प्लासी वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो होलवेल मॉन्यूमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़बरदस्त इमोशनल कनेक्शन था, और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं कि इस मॉन्यूमेंट को यहाँ से हटाओ। तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात जम तो रही नहीं होगी, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उठाया और जेल में डाल दिया। बोस ने क्या किया कि जेल में 7 दिन की हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें जेल से निकाल कर इनके खुद के घर पर शिफ्ट कर दिया, और घर के बाहर चारों तरफ पुलिस की निगरानी रखी गई, यानी ये खुद के ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिए गए। ये घर से निकलकर कहीं पर आ जा नहीं सकते थे। तो बोस ने क्या किया कि थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और 17 जनवरी 1941 को पठान के भेष में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। कलकत्ता से निकलकर ये पेशावर पहुंचे और फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को होते हुए अफगानिस्तान, और वहाँ से सोवियत रशिया, और रशिया से इटली, और फाइनली ये जर्मनी पहुँचे। उस समय जर्मनी में प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे। अब ये सोल्जर्स कहाँ से आए थे? बेसिकली ये सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, जिन्हें नॉर्थ अफ्रीका में डिप्लॉय किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के चलते। एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी भी शामिल था, उसने इनको बंदी बना लिया था। तो इन सोल्जर्स को बेसिकली जर्मनी जो है वो नॉर्थ अफ्रीका से उठाकर लेकर आया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाकर। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन अथॉरिटीज़ की मदद से इन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा किया और एक आर्मी बनाई, ताकि ये आर्मी इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दे। इस आर्मी में अराउंड 4,500 इंडियन सोल्जर्स थे, और इस आर्मी को कहा गया द फ्री इंडियन लेजेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मन अथॉरिटीज़ बोस को सपोर्ट क्यों कर रही थी आर्मी बनाने के लिए, राइट? तो भैया, जर्मन अथॉरिटीज़ सपोर्ट कर रही थी क्योंकि इसमें जर्मन अथॉरिटीज़ और हिटलर का भी फायदा था। वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन और जर्मनी तो आमने सामने थे। तो देखा जाए तो अगर सुभाष चंद्र बोस एक आर्मी बनाकर ब्रिटेन पर अगर अटैक करते हैं, तो इसमें फ़ायदा किसका है? जर्मनी का भी फायदा है, क्योंकि भैया उनके अपोनेंट पर अटैक हो रहा है, कि उनका अपोनेंट वीक हो रहा है। बट इसी बीच 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जिससे सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के इंटेंशंस पर शक होने लग गया, और उनका जर्मनी पर से विश्वास उठने लग गया। तो वो 2-3 चीज़ें ये थी कि हिटलर जो है वो रशिया को इन्वेड करने का प्लान कर रहा था, पहली चीज़ तो।
दूसरा, उसने ऑटोबायोग्राफी में कुछ ऐसा लिख दिया था जो कि सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आ रहा था। और तीसरा ये कि सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की जो मीटिंग हुई उसमें कुछ ऐसा हुआ जो सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आया। तो सबसे पहला पॉइंट है हिटलर का रशियन इन्वेजन का प्लान। बेसिकली हिटलर प्लान कर रहा था रशिया को इन्वेट करने का। नेताजी जो है वो लगातार जर्मन अथॉरिटीज को लेटर्स लिख रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि यार ऐसा मत करो। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनके मन में रशिया के लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और अगर जर्मनी रशिया को इन्वेड करता है तो इंडियंस जो है वो जर्मनी को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन ही समझेंगे। और वैसे भी हिटलर की इमेज तो लोगों के मन में पहले से ही खराब थी। नेताजी के बार बार समझाने के बावजूद जर्मनी ने 22 जून 1941 को रशिया को इन्वेड कर लिया। इसके अलावा नेताजी चाहते थे कि हिटलर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में इंडिया के बारे में कुछ ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उन्हें हटा दें। हिटलर ने नेताजी की रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार नेताजी इन किन चक्करों में पड़ गए। भाई उन्हें इंडिया आज़ाद कराना है कि रशिया, और क्या फ़र्क पड़ रहा है कि हिटलर अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिख रहा है क्या नहीं। और वैसे भी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी चेंज क्यों करेगा, भाई वहाँ वर्ल्ड वार टू चल रहा है, वो अपनी वॉर की स्ट्रेटेजी बनाएगा कि ऑटोबायोग्राफी चेंज करने बैठेगा। वैसे भी उसने अपनी ये जो बुक है वो 1925 में लिखी थी, और नेताजी जो है वो 1941 में आके उसे बोल रहे हैं कि भैया इसे चेंज करो। बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करो कि नेताजी का इंटेंशन क्या था। नेताजी ट्राई कर रहे थे हिटलर की मदद से इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाना। ऐसे समय में अगर इंडियंस के मन में जर्मनी या हिटलर के लिए गुस्सा रहा तो ऐसे में इंडिया के लोग उल्टा नेताजी पर ही भड़क जाएंगे कि यार नेताजी आप किससे मदद मांग रहे हो, इससे अच्छा तो ब्रिटेन के ही लोग हैं। तो ये बात है। और इसके अलावा तीसरा इवेंट यानी नेताजी और हिटलर की जो मीटिंग थी उसमें तो पूरी तरह से जर्मनी और हिटलर से नेताजी का विश्वास उठ गया, क्योंकि यहाँ पर नेताजी को ये फीलिंग आ रही थी कि यार ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रिटेन को तो इंडिया से हटाने में मदद कर दे बट बाद में खुद ही इंडिया को इन्वेट कर ले। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि जर्मनी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जापान से बात की जाए। जापान भी तो वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन के अगेंस्ट ही लड़ रहा था, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। और वैसे भी इंडिया को लेकर जापान और जर्मनी के एटीट्यूड्स थोड़े डिफरेंट ही थे, तो नेताजी को अब जापान से काफ़ी होप थी। इसीलिए उन्होंने फरवरी 1943 को एक सबमरीन पकड़ी और रुख किया जापान की तरफ। नेताजी तो सबमरीन में बैठकर निकल पड़े थे लेकिन पीछे छोड़ आए थे उन 4000 इंडियन सोल्जर्स को जिन्हें उन्होंने नाम दिया था द इंडियन लेजेंड। तो नेताजी अब जापान पहुंचने ही वाले थे लेकिन जापान में एक ज़बरदस्त सीन चल रहा था। थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखना पड़ेगा कि जापान में एक्चुअली हो क्या रहा था। इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होते ही लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना इंडियन लीडरशिप से पूछे ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ अराउंड 70,000 इंडियन ट्रूप्स को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में तैनात कर दिया था। इन्हीं ट्रूप्स में जो बटालियन मलाया पेनिनसुला भेजी गई थी उसके हेड थे मोहन सिंह। ये बटालियन क्यों भेजी गई थी ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज थी और वर्ल्ड वार टू के चलते जैपनीज अटैक का खतरा लगातार मंडरा रहा था, और ब्रिटेन का ये अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। जैपनीज आर्मी ने मलाया के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के सभी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज पर अटैक कर दिया और एक के बाद एक सभी कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर लिया। इस अटैक के दौरान जापान ने ब्रिटिश रेजिमेंट के बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया था, इंक्लूडिंग मोहन सिंह। आपको पता ही है कि वॉर में बंदी बनाए गए सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है। अब अगर आपने गदर मूवमेंट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि 1915 में गदर मूवमेंट फेल होने के बाद राजबिहारी बोस जापान चले गए थे। जापान में राजबिहारी बोस ने 1942 में जापानीज गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना ली थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने का मकसद था जापानीज गवर्नमेंट की मदद से इंडिया को आज़ाद कराना। इन्होंने जापानीज गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि भैया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक आर्मी बनाई जाए जो ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट लड़के इंडिया को आज़ाद कराएगी। इससे जापान का भी फायदा है क्योंकि जापान और ब्रिटेन अपोनेंट्स हैं और ब्रिटेन इससे कमजोर होगा। आइडिया था मलाया और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया में पकड़े गए इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा करके आर्मी बनाने का। अब ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर तो अवेलेबल थे, अब इनको ढूंढना था एक ऐसा जनरल जो इन सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा करके एक बढ़िया मिलिट्री तैयार कर सके। इनके दिमाग में आया एक नाम, मोहन सिंह। राजबिहारी बोस ने जापानीज ऑफिसर मेजर फुजीवारा के साथ मिलकर मोहन सिंह को अप्रोच किया।
और बोला कि सभी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा करके एक आर्मी तैयार करो आप। मोहन सिंह के लिए ये डिसीजन इतना आसान नहीं था क्योंकि 18 साल की उम्र से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे और अब इन्हें कहा जा रहा था कि इन्हें फौज बनाकर उल्टा ब्रिटिश आर्मी पर ही अटैक करना है, यानी जिसका नमक खाया है उसी से गद्दारी करना था। लेकिन नमक से बड़ा इनके लिए देश था। मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मलेशिया से 4,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर उठाए, सिंगापुर से 40,000 उठाए, इसके अलावा दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज से भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इकट्ठा किया गया और फाइनली इंडियन नेशनल आर्मी बनकर तैयार हुई और खुद मोहन सिंह इस आर्मी के जनरल बने। ये जो आर्मी बनकर तैयार हुई थी इसी को फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है। बट मोहन सिंह को भी जापान के लिए सेम फीलिंग आ रही थी जो नेताजी को जर्मनी के लिए आ रही थी, यानी कहीं ना कहीं मोहन सिंह को लग रहा था कि जापानीज सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी को यूज करना चाहते हैं। इसी के चलते मोहन सिंह के जापानीज लीडरशिप के साथ कई बार डिसएग्रीमेंट्स हुए। इन्हीं डिसएग्रीमेंट्स की वजह से मोहन सिंह और जापान के रिलेशन गड़बड़ा गए और अल्टीमेटली 29 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह को कमांड से हटाकर जापानीज मिलिट्री फोर्स के हवाले कर दिया गया और इंडियन नेशनल आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया गया। जो भी ट्रूप्स या प्रिजनर्स ऑफ वॉर पहले इकट्ठे किए गए थे वापस से उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप में भेज दिया गया। तो ये था फ्लैशबैक। अब बात करते हैं कि जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस के आगमन के साथ ही इंडिपेंडेंस आर्मी का आइडिया फिर से एक बार रिवाइव हो गया। उसी साल जुलाई में सिंगापुर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राजबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कंट्रोल सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने एफर्ट से एक बार फिर इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर दी। नेताजी की पॉपुलरिटी इतनी भयंकर थी कि जैसे ही पता चला कि इंडियन नेशनल आर्मी को अब नेताजी लीड करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन पॉपुलेशन का इतना मासिव सपोर्ट मिला कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर ही नहीं बहुत सारे सिविलियंस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और इतना ही नहीं फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और इंडियन नेशनल आर्मी फिर एक बार बनकर तैयार हो गई। इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस ने एक सेपरेट वीमेन यूनिट भी बनाई जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट को हेड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। उस जमाने में एक ऑल वीमेन कम्बैट स्क्वाड बनाने की बात सिर्फ नेताजी ही सोच सकते थे। पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट देखा गया कि एक ऑल वीमेन कम्बैट स्क्वाड बनाई गई। इंडियन नेशनल आर्मी की एक खास बात ये भी थी कि इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। हिंदू सोल्जर्स हो या मुस्लिम सोल्जर सब एक बराबर, सबकी किचन भी एक। इसके अलावा कास्ट, कलर और स्टेट किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब सोल्जर्स एक बराबर थे। हालांकि ये सेम चीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तो लागू नहीं होती थी, वहां पर तो सिख रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है, ऐसे करके वहां पे तो सेपरेट रेजिमेंट बनाई हुई थी। वहां पे तो कास्ट, क्रीड, हर तरह का सेपरेशन था। इंडियन नेशनल आर्मी में चार ब्रिगेड्स थी, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। नेताजी ने यहाँ पर आजाद हिंद फौज को एक दमदार नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा आपने एक गाना सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये जो गाना है ये भी आजाद हिंद फौज ने ही हमें दिया है। इसी के साथ साथ अगर आपने जय हिंद का नारा सुना है जो आज भी हम लोग इंडियन मिलिट्री के मुंह से सुनते हैं, ये सैल्यूटेशन भी हमें इंडियन नेशनल आर्मी से ही मिला है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नेताजी ने सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी नहीं खड़ी की थी, इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद गवर्नमेंट की ही आर्मी थी, इनफैक्ट इसीलिए इंडियन नेशनल आर्मी को आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। आजाद हिंद गवर्नमेंट इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे सिंगापुर में एस्टेब्लिश किया गया था। इनकी अपनी करेंसी नोट्स थे, पोस्टेज स्टैम्प्स थी और इनके अपने कोर्ट्स और लॉज भी थे। इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे सुभाष चंद्र बोस और हर गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, जैसे ऐसे अय्यर थे मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल एसी चटर्जी थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और भी ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियोज और मिनिस्टर्स इस गवर्नमेंट में थे। आजाद हिंद गवर्नमेंट को 9 कंट्रीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह रिकॉग्नाइज किया था। ये कंट्रीज थी जर्मनी, जापान, इटली, क्रोशिया, चाइना, बर्मा और फिलीपींस। इन कंट्रीज के साथ आज़ाद हिंद फौज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे। लेकिन चाहे जितनी भी कंट्रीज़ ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जापान के ही फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट से चल रही थी, तो कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी ऑब्वियसली इनकी जापान पर थी। और वैसे भी इनके पास अभी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर इनकी सोवरेनिटी हो। भाई एक गवर्नमेंट होती है, उसकी कंट्री होती है, लेकिन यहां पर तो इनकी खुद की जो कंट्री है वो तो ब्रिटेन के कब्ज़े में थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया। 1943 में
जापान ने जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर किया तो कैप्चर करने के बाद इन रीजन्स की नॉमिनल अथॉरिटी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दी गई। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने कंट्रोल मिलने के बाद सबसे पहले एक काम किया, इन आइलैंड्स का जो नाम है उसको चेंज करके शहीद और स्वराज रख दिया। हमने एक वर्ड यूज़ किया नॉमिनल अथॉरिटी, इसका मतलब ये है कि बेसिकली इस आइलैंड की जो अथॉरिटी है वो है तो आज़ाद हिंद फौज के पास, लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत जैपनीज फोर्सेस थी। इसका मतलब पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है वो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के पास नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको नॉमिनल अथॉरिटी बोला है। इसके बाद अप्रैल 1944 में इंपीरियल जैपनीज आर्मी के साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने इंडियन सॉइल पर अपनी पहली जीत दर्ज की। ये जीत दर्ज की थी अराकान, मणिपुर और नागालैंड में। आज़ाद हिंद फौज की आर्मी नागालैंड के कोहिमा और मणिपुर के इम्फाल में एंटर कर चुकी थी, और मणिपुर में एक जगह है मोइरांग, यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत के झंडे को फहराया था। बट इसके बाद क्या हुआ कि लॉजिस्टिक्स की काफ़ी कमी हो गई, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज़ाद हिंद फौज के पास गोलियाँ और बंदूक तो छोड़ो, खाने तक की चीज़ें नहीं थी। ऐसे में ब्रिटिश फोर्सेज ने ऑक्यूपाइड एरियाज पर एयर रेड करनी शुरू की। जैपनीज और इंडियन नेशनल आर्मी की कंबाइंड फोर्सेस इसका सामना नहीं कर पाई और इंडियन फ्रंट को छोड़कर भागना पड़ा। अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटेन और अमेरिका की जीत हुई, आज़ाद हिंद फौज और जापान बर्मा कैंपेन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों ही हार चुके थे। अप्रॉक्सीमेटली 16,000 इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को ब्रिटिश फोर्सेज ने बंदी बना लिया था। उसी दौरान अगस्त 1945 में खबर आई कि नेताजी एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। आज़ाद हिंद फौज और उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। एक और वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के नोट्स booksthewar.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BooksTheWar चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए BooksTheWar चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग BooksTheWar।